आज से पूरे राज्य में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम शुरू हुआ है। आज अंतिम प्रकाशन हुआ है मतदाता सूची का। मुख्य चुनाव आयुक्त अनुपम राजन ने बताया 13 और 20 तारीख को घर घर जाएंगे बीएलओ। 18 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। जितने भी वोटर जुड़ेंगे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 में ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम शुरू होगा आज से, जिसमें 18 साल की आयु होने पर आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अंतिम सूची का प्रकाशन 18 फरवरी को होगा। चुनाव आयुक्त ने बताया कि जिनका भी वोटर आईडी कार्ड बनेगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाएंगे। पूरे राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम आरंभ हुआ है। हमारे जो 64,523 मतदान केंद्र हैं, इन सभी मतदान केंद्रों को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया आज, जिसको हम ड्राफ्ट पब्लिकेशन कहते हैं। ये जो 5 राज्य थे जहां पे विधानसभा के चुनाव हुए थे, ये उन 5 राज्यों के लिए एक टाइम टेबल अलग से बनाया गया है, जिसके तहत आज प्रारूप प्रकाशन हुआ। 6 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जिनको हम बीएलओ कहते हैं, ये लगातार कार्यालयीन दिवस में वर्किंग आवर्स में वहां पे मतदान केंद्र पे उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा 13 तारीख को और 20 तारीख को ये स्पेशल कैंप करेंगे अपने अपने मतदान केंद्र क्षेत्र में, जहां वो घर घर जाएंगे और लोगों से हाउस टू हाउस विजिट करके संपर्क करेंगे। इस अवधि के दौरान 1/1/2024 की स्थिति में जो लोग 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं या पूरी कर चुके हैं, वो सभी लोग मतदाता के रूप में अपने नाम को दर्ज कराने के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगे। ये या तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या अगर ये ऑफलाइन आवेदन करना चाहेंगे तो मतदान केंद्र पर बीएलओ उपलब्ध हैं 6 तारीख से 22 तारीख तक। ऑनलाइन आवेदन करने में भी बीएलओ इनकी मदद करेंगे। कोई भी मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या जो वेबसाइट है voters.eci.gov.in, इसके माध्यम से फॉर्म 6 भर के अपना नाम जुड़वाने की कार्रवाई कर सकते हैं।